इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इब्तदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान के जेर तमाम पास्टर बाबू पल्लूस गिल के जेर इंतजाम एक रोज़ा अजीम अलशान इबादत का प्रोग्राम F74 सेक्टर फ्रांसिस कॉलोनी में मुनक्द हुआ, जिसमें पासबानों और मसीही बरदरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। पासबानों का ढोल बजाकर गुलपाशी मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया गया। अपोस्टलिक क्वायर ने जबूर गीत पेश करते हुए खुदा की खूब हमदोसना की। इस मौका पर खुदा के ममसूख खादम प्रिंसिपल फर्स्ट अपोस्टलिक थियोलॉजिकल सेनरी पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने मजमून आप ईमान पर हैं कि नहीं पर मुफसल रोशनी डालते हुए कहा कि अपने आप को आजमाएं ईमान पर हैं कि नहीं, अपने आप को जांचें, क्या आप अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह आप में है, तभी आप मकबूल और ईमान पर कायम होंगे। बगैर किसी शक डर लालच के अपने सारे दिल जान ताकत अकल से अहले मसीहत का ईमान जिंदा खुदा के बेटे मसीह यीशु पर है, जिन पर मसीहियों की जान माल हर चीज कुर्बान है। बेदीनी के दौर में मसीही वालदैन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने बच्चों को तालीम, सेहत, खुराक, लबास, आसाइश, कारोबार के साथ साथ खुदा का बेटा यीशु मसीह भी दें। सच बोलें, सुबह शाम खड़े होकर दुआ, घरेलू इबादत करें ताकि वो नशा की लानत, झूठ, जादूगरी, हरामकारी, गाली क्लोज, चुगली से पाक रहें। मसीहियत मोहब्बत का दूसरा नाम है। मसीही अमन सुलह सलामती के शहजादा मसीह को मानने वाले अमन पसंद हैं, जो अक्सर इजहार रसानी का शिकार रहते हैं। पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने मजीद कहा कि मेरा दिल रोता है जब कहा जाता है कि मसीहियों की कॉलोनियां नशा नाजायज फरोशी का गढ़ हैं। हम समझते हैं कि मसीहियत को बदनाम करने और बिजनेस से दूर करने के लिए साजिश के तहत शराब के परमिट की लानत मसीहियों की झोली में डाल दी गई है। ये जानते हुए कि मसीही मजहब में शराब हराम है, शराब नोशी करने और बेचने वालों के लिए भी यीशु मसीह ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। वो सब कीमती हैं, वो नशा की लानत को अपने सिफों से दूर करके हकीकी मसीही ईमानदारों में शामिल हों ताकि आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। हकीकी मसीही नशा करना, शराब पीना, दरकनार छूने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वालदैन मजहबी रहनमा अपने घरों, कॉलोनियों, कलीसियाओं से नशा की लानत को ख़त्म करके हकीकी मसीही होने का सबूत दें। साहब हैसियत लोग नशा बेचने वालों को जायज़ कारोबार दिलाने में मदद करें। नसीहत पर अमल करने वाले भी ईमानदार नहीं रहते। इंचार्ज पास्टर अकरम नज़ीर, पास्टर इमैनुअल फैज़ खोखर, पास्टर सैमसन सुहेल, पास्टर अमीन याकूब, पास्टर मुबारक खान, पास्टर तंसर सुल्तान रांझा, पास्टर विक्टर, पास्टर तंसर सुल्तान रांझा, पास्टर विक्टर खोखर, पास्टर तारिक मसीह भूरट, मलिक तारिक खान, पास्टर शिरकत मसीह, पास्टर जुल्फकार बुजुर्ग, फैज खोखर, मुबशर सितार मट्टू, मुबशर रजाक भट्टी, मुबशर इमरान नियामत, मुबशर असलम इटवाल, मुबशर जावेद, मुबशर दानियल, मुबशर शमायल, मुबशर आसिफ फौजी, मुबशर इश्तियाक भट्टी, मकसूद मंजूर भट्टी, मुबशर फिनहास, एम्स जेम्स खोखर, एल्डर शहबाज, एल्डर यूसफ, सिस्टर नौशीन, सिस्टर एरीना अकरम, सिस्टर बिनिश अमीन, फ्रांसिस कॉलोनी दुआया यूथ ग्रुप और दीगर ने शिरकत और दुआ की। सैकड़ों लोगों ने अपने गुनाहों, गलतियों का इकरार करते हुए अपनी बहाली की दुआ करवाई। मुल्क सलामती, तरक्की, खुशहाली, बीमारियों के शिफा के लिए दुआ की गई। बरकात कलमात पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने अदा किए।